इसकी वजह से संकट ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं सड़क हादसे के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। नौबत यह है कि प्रदेश में रोजाना 34 लोगों की मौत हो जाती है। क्यों है ऐसी स्थिति, आगे इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। फ्लॉप हो रहा सड़क सुरक्षा अभियान, रोजाना 34 लोगों की जा रही जान। सड़क पर संभल कर चलने के दावे भले ही होते रहे हों, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। ना तो सड़क हादसे कम हो रहे हैं और ना ही मौत की संख्या कम हो रही है। आंकड़े जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हर दिन 34 लोगों की मौत हो जाती है। भोपाल में रोजाना 5 लोगों की मौत हो जाती है। एक साल में मध्य प्रदेश में 48,876 सड़क हादसे हुए, जिनमें 12,057 लोगों की मौत हुई। एक साल में इंदौर में सबसे ज्यादा सड़क हादसे हुए। इंदौर में एक साल में करीब 10,000 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 2,328 लोगों की मौत हुई। अब सवाल है कि आखिर प्रदेश में इतनी दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? तो बताया जा रहा है कि कई जगहों पर ब्लैक स्पॉट है। ब्लैक स्पॉट में एक्सीडेंट की आशंका ज्यादा रहती है। दोपहिया वाहन चालकों की दुर्घटना ज्यादा होती है। ओवर स्पीड सबसे बड़ी वजह है। यातायात नियमों की अनदेखी, मतलब ये कि एजेंसियों के साथ साथ लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो है आंकड़े से बढ़ते हैं, लेकिन इसकी चिंता इसलिए नहीं है कि सरकार जिस उद्देश्य से काम कर रही है कि क्राइम घटनाएं भी कम हो और एक्सीडेंट भी कम हो, इसके लिए नित नए नवाचार करने का भी प्रयास रहता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको जो घटनाएं इसलिए दिखती हैं कि तुरंत कार्रवाई होती है और लोगों को तुरंत पता पड़ता है। आपने 2019-20 का भी दौर देखा होगा, लोगों की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थी, तो आंकड़े इसलिए गड़बड़ होते हैं। सरकार का स्पष्ट सोच है, स्पष्ट निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि कोई भी क्राइम करने वाला व्यक्ति बचेगा नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई होगी। देखिए मध्य प्रदेश में यदि आप देखेंगे तो निरंतर कम से कम एक दशक से आज दूसरे स्थान पर, कभी पहले स्थान पर आ जाता है सड़क दुर्घटना में। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर करती है। मुख्य कारण रोड एक्सीडेंट का सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि सड़कें प्रॉपर नहीं है, ट्रैफिक इंटेंसिटी की स्टडी नहीं की जाती, ट्रैफिक की कोई प्लानिंग नहीं की जाती, ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं होता, क्योंकि वहां भी भ्रष्टाचार है, पुलिस भी सिर्फ और सिर्फ वसूली में लगी हुई है, सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था चले इसमें कोई नहीं लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है जो महकमा जिसको ये कंट्रोल करना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आज प्रोटोकॉल मैनेज करने में लगा हुआ है। हादसे की रिपोर्ट में एक बात सामने आई कि चार पहिया वाहन में सवार ज्यादातर लोगों की मौत सीट बेल्ट नहीं लगाने और तेज रफ्तार की वजह से होती है। कि अगर सफर के दौरान नियमों का पालन किया जाए तो जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता है। वैसे सवाल सड़क सुरक्षा कैंपेन को लेकर भी है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आखिर हादसे कम क्यों नहीं हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चूंकि दुर्घटना होने की ढेर सारी वजह रहती हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है जो वाहन चालक है उसके द्वारा सजगता ना रहनी, और कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें रहती है, जैसे हम सीट बेल्ट नहीं बांधते हैं, कहीं गाड़ी को जर्क लगा और उसमें फैटल इंजरी हो जाती है। कई बार रोड की जो इंजरिंग है वो कई बार डिफॉल्ट होती है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर स्पॉट पे लगातार दुर्घटनाएं होती हैं। इसमें जो ट्रैफिक में हम लोग बात करते हैं इनको हम ब्लैक स्पॉट्स बोलते हैं, जहां पे लगातार दुर्घटनाएं होती हैं और उस पर फिर ट्रैफिक इंजरिंग और संकेतक वगैरह लगा के प्रयास किया जाता है कि दुर्घटनाएं ना हो। पर मुख्यतः जो मुख्य वजह है वो ये है कि जब हम स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, तो काफी संभावनाएं रहती हैं कि दुर्घटनाएं होती हैं। तो हालांकि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए IIM इंदौर से एक करार किया गया है, जिसमें सड़क सुरक्षा के लिए एक मॉडल तैयार किया जाएगा। इसमें IIM का सारा फोकस सड़कों को सुरक्षित बनाने को लेकर है। इसमें एक सिलेबस भी तैयार होगा जिसमें अफसरों और नीति तैयार करने वालों को ट्रेन किया जाएगा, मतलब MOU में योजना तैयार करना, रिसर्च करने पर जोर रहेगा। माना जा रहा है कि इससे आने वाले दिनों में सड़क हादसों में कमी आएगी। पुलिस पिछले कई सालों से सड़क सुरक्षा अभियान चला रही है, बावजूद इसके मध्य प्रदेश की सड़क दुर्घटनाओं में कमी देखने को नहीं मिल रही है। कई जिले तो ऐसे हैं जहां एक्सीडेंट की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है।
पूरे देश में मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर है, तो कहीं न कहीं इसमें लापरवाही लोगों के साथ साथ ड्यूटी करने वालों की भी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की सड़कों की हालत खराब है, इसके आरोप कांग्रेस लगा रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि लोग हाई स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं और लापरवाही की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। अब इतनी बात तो लोगों को खुद भी समझनी होगी कि अपनी सुरक्षा अपने से ही करनी है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट।